बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। चलिए सीधा रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, हिंसा के बाद नूह में अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। इलाके में अभी तक अर्धसैनिक बल तैनात हैं। बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजार अभी नहीं खुले हैं। तो देखिए, शांति बनाए रखने के लिए जगह जगह फ्लैग मार्च निकाले गए हैं नूह हिंसा पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, तो शांति बनाए रखने के लिए हालांकि अपील जो है वो यहां पर पहले से ही की जा रही है। फ्लैग मार्च में निकाला गया ताकि जो माहौल है वो सही हो सके। हालांकि सड़कों पर सन्नाटा है, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, बाजार अभी खाली पड़े हैं। हालांकि इसी के चलते लोग जो है वो डरे हुए हैं। तो इलाके में अभी तक अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं और बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी है ताकि कोई भी किस प्रकार की गतिविधि ना हो। तो हिंसा के बाद नूह में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अभी भी लोगों में डर है, लोग सहमे हुए हैं। हालांकि बाजारों में भी सन्नाटा है और इधर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया। लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि जब तक कोई जरूरी कार्य ना हो आप लोग बाहर ना निकलें। तो बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बाजार में अभी फिलहाल सन्नाटा है, बाजार अभी नहीं खुले हैं।